अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ मुद्दों को लेकर बौखलाए हुए हैं। वो क्यों बौखलाए हुए हैं इस बात का आज खुलासा हमारे भाई पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश और सांसद मनोज तिवारी जी अभी करने वाले हैं। मेरे साथ मेरी साथी प्रवक्ता पूजा जी मौजूद है, मेरे साथी मेरे मित्र नीलकांत बख्शी जी मौजूद हैं, हरिहर जी मेरे साथ हैं, शुभेंदु जी हमारे साथ हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भाई मनोज तिवारी जी से, आप सबको संबोधित करें और बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाहट का कारण क्या है। भाई मनोज जी। धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद हमारे सभी साथी मंचासीन। और आज दिल्ली की विद्वान मीडिया और इसके मार्फत दिल्ली को कुछ बातें बताने के लिए हम बैठे हैं। आपको अभी थोड़े ही दिन पहले 15 अगस्त की सुबह जब तिरंगा फहराया जा रहा था 76वीं बार, तो वहां पे ये चिंता व्यक्त की गई लाल किले की प्राचीर से कि देश की दो बड़ी चुनौतियां, एक भाई भतीजावाद और एक दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती माना गया लाल किले की प्राचीर से, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे थोड़ी सी और भी बातें हुई, नाम किसी का नहीं लिया गया। मैं मीडिया के समक्ष ये बड़ी अंडरलाइन करना चाहता हूं कि लाल किले की प्राचीर से देश की चिंता व्यक्त की गई। भ्रष्टाचार पर 2014 से जब से देश की सरकार बदली है, लगातार भ्रष्टाचार की जड़ों पे चोट करने की कोशिश हो रही है और उसी का एक सोपान है जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को इस मुद्दे पे और भी ज्यादा जगाना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार की बात हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐसा लगा जैसे नीचे से ऊपर तक एकदम किसी बीमारी ग्रस्त व्यक्ति जब हिल जाता है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। हमें बहुत आश्चर्य है क्योंकि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन करता हुआ आया हो, वो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात पे स्वयं हिल जाता हो कि ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये अनायास नहीं है साथियों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी नहीं है, बहुत तकलीफ है। आप सब जान करके हैरान होंगे कि हर सरकार की प्रतिवर्ष सीएजी रिपोर्ट जारी होती है। सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की भी हर साल जारी होती थी, लेकिन आज मीडिया के थ्रू हमारे दिल्ली वासियों को और देश में जो लोग दिल्ली से मतलब रखते होंगे उनको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट टेबल ही नहीं की गई। अगर आप सीएजी ऑडिट रिपोर्ट नहीं लाते हैं जनता के सामने, विधानसभा में नहीं लाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जितनी बातें कर रहे हैं सब गोल 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 घुमा रहे हैं, कोई बात भी प्रामाणिक नहीं है। दिल्ली कर्जे में है या दिल्ली लाभ में है, दिल्ली का किस डिपार्टमेंट का कितना नुकसान हुआ, दिल्ली का कौन डिपार्टमेंट थोड़ा फायदा ले रहा है, दिल्ली के आम लोगों को जो यहां पे अक्सर ये समस्या होती है, साफ पानी कैसे मिले, सबको पानी कैसे मिले, गलियों की स्थिति कैसे ठीक हो, कूड़े का पहाड़ कैसे ठीक हो, ये सारी समस्याओं के लिए जब एक चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसका नाम होता है हमारा बैलेंस शीट, हम कहां खड़े हैं। और ये सरकार क्या, ये तो परिवार में भी एक व्यक्ति को करना पड़ता है,
लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 4 वर्षों से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में टेबल नहीं किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आप सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को क्यों छुपाना चाहते हैं सर? आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब मुझे मिल गया है और आज जवाब आपके समक्ष में लेके आया हूं कि दिल्ली का 1,51,564 करोड़, इस संख्या को एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, 1,51,000 करोड़ कह लीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा 1,51,564 करोड़ रुपए दिल्ली का कहां चला गया है इसका कोई अता पता ही नहीं है। ₹1,51,564 करोड़, अब आपके दिमाग में आएगा मनोज तिवारी व्हाट इज डिटेल्स ऑफ दिस अमाउंट? यस, अब मैं आपको डिटेल्स बताता हूं और ये जो भी बात मैं कह रहा हूं आपसे ये सब हमारे पास आरटीआई के आधार पे है। हम कुछ भी बात हवा में नहीं कहना चाहते। अभी कुछ दिन पहले हम किसी चैनल पे बहस में थे तो उनके प्रवक्ता उनके तरफ से जो बैठे थे संजय सिंह जी, वो जब जब बात हो दिल्ली से वो दुनिया भर में घूम आते हैं, दिल्ली के मुद्दे पे बात नहीं करते। अब जब मैं जानकारी लेता हूं तो क्या निकलता है कि हमारे दिल्ली की डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो 2013 के पहले 2013 के एक दो साल में वो 0-0 पे हुआ करती थी, लेकिन उससे पहले वो अच्छे मुनाफे में चलती थी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सभी को अपनी सुविधा होती थी। लेकिन जैसे ही आज डीटीसी की स्थिति क्या हुई, इनके अंतर्गत 38,753 करोड़ का नुकसान इन्होंने 2019 तक दिखा दिया। 2019 तक इन्होंने डीटीसी में 38,753 करोड़ रुपए का नुकसान दिखा दिया, लेकिन बैलेंस शीट नहीं किया, बस बोल दिया नुकसान हो गया। नुकसान कहां हुआ है, कौन सी बस लाए हैं 3 करोड़ की दिल्ली में, क्या आप 3,500 बसों से लोगों को बस में बिठा सकते हैं? महिलाओं को बस में बिठाएंगे फिर बड़ा अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन क्या 3 करोड़ लोगों के शहर में 3,500 बसों से कोई चल सकता है? जिस दिन कोई त्योहार होता है बस स्टॉप पे मारा मारी और मीडिया में खबरें भी आती है। लेकिन 38,753 करोड़ ये 2019 तक का है और 5,280 करोड़ का नुकसान मार्च 2020 तक ऑन रिकॉर्ड है और 2021 और 22 का अभी इसमें नुकसान जुड़ना है। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं जो 2021 का नुकसान है, मैं तो सिर्फ कहता हूं कि 2020 तक 38,753 करोड़ और 5,280 करोड़ का बैलेंस शीट क्या है, कैसे नुकसान हुआ अरविंद केजरीवाल जी ये तो बता दो दिल्ली को। हम 8 साल के हुए तो हम 8 साल में हर साल, नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को हिसाब दिया है, हमने भी अपने संसदीय क्षेत्र में दिया है। बैलेंस शीट का छुपाना ये स्पष्ट करता है कि आपने ये नुकसान निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के जमा पूंजी को कहीं ना कहीं आप इसको ले गए हैं। कहां ले गए हैं? यू हैव टू टेल। दूसरा हमारा प्रश्न है वो है दिल्ली जल बोर्ड के स्थिति को भी आप देख लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 के पहले 600 करोड़ का फायदा देता था, आज दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर जब हमने इसका आरटीआई निकाला है तो आरटीआई कहती है कि 57,895 करोड़ का लोन है दिल्ली जल बोर्ड पे, 57,895 करोड़, मतलब इसको लमसम 58,000 करोड़ हुआ,
लेकिन एग्जैक्ट आज मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आरटीआई रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूं। अब सवाल होता है कि आपका अगर दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ का फायदा देता था, जिसके फ्लड डिपार्टमेंट कई जगह सड़कें बनाती थी, नाले ठीक करते थे, छोटी छोटी गलियां बनती थी, एमसीडी को जाता था, सारा डिस्ट्रीब्यूशन चलता था, अगर वो अचानक आपने कहा 57,895 करोड़ का लोन ले लिया, तो लोन लेकर के क्या किया? क्या दिल्ली में लोगों के घरों में पानी की पाइप चली गई सबके? क्या दिल्ली के लोगों को अब टैंकर माफियाओं का सामना नहीं करना पड़ता? क्या दिल्ली में अब टैंकर नहीं चलता? क्या यमुना जी का पानी साफ हो गया? इन सारी चीजों में एक भी कार्य नहीं हुआ, लेकिन आपने लगभग 58,000 करोड़ का लोन ले लिया। तो ये लोन से किया क्या, ये तब पता चलेगा जब आप बैलेंस शीट दोगे, जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, जिसको आप 4 साल से छुपाए होंगे। और इसमें एक और चिंताजनक बात है कि ये जो मैं बोल रहा हूं 57,895 करोड़ का लोन, ये तब की स्थिति है जब 2015-16 के बाद दिल्ली जल बोर्ड का बैलेंस शीट ही नहीं बना है। हम आप दिल्ली के रहने वाले हैं, अगर आप 15-16 सत्र के बाद बैलेंस शीट ही नहीं बनाएंगे, तो क्या पता है आपने 7,000 करोड़ लेकर के पंजाब के चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़ के चुनाव लड़े, आप जाके उत्तराखंड के चुनाव लड़े, क्या किया हमें तो पता नहीं। आप सब दिल्ली का कोई भी व्यक्ति सुनेगा कि 2015-16 के बाद दिल्ली जल बोर्ड का बैलेंस शीट ही नहीं बना। 22 चिट्ठियां सीएजी ने लिखी है, सीएजी चिंतित है, 22 चिट्ठियों का एक भी चिट्ठी का जवाब दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल गैंग ने नहीं दिया। और तीसरा, ये अमाउंट जोड़ के हम देखते हैं, पहला 38,753 करोड़, दूसरा 57,895 करोड़, ये इसका बैलेंस शीट ही नहीं है मेरे दिल्ली के भाई बहन। और तीसरा, आपने कहा था कि दिल्ली में अब बिजली हाफ होगी, पानी माफ होगी, इतने ही था ना, 2 लाइन की बात थी, इसको समझने के लिए किसी एडिशनल करोड़ की जरूरत नहीं है, पानी माफ बिजली हाफ। किया क्या है आपने अरविंद केजरीवाल जी? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति बिजली कंपनियों के खिलाफ इनके पहले की सरकार में अपने वजन से ज्यादा कागज लेके चलता था, उस व्यक्ति ने बिजली कंपनियों को कितना फायदा पहुंचाया, ये आपके सामने आज मैं डेटा रख रहा हूं। आप कहते हैं बिजली हाफ हो गई, तो पहले से जिसका बजट था, जो बिल आता था, वो हाफ होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है कि आपने जो भी अलग अलग जनता की जेब से अलग अलग हेड में चार्जेज कलेक्ट किए हैं, उनको क्या कभी आपने अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सामने रखा? कैसे कैसे आपके बिजली के बिल में चार्जेज आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बिजली के बिल आते हैं, जो दुकानदार है, जो किसान है, जो व्यापारी है, जो कोई इंडस्ट्री चलाता है, या जिसका 200 यूनिट से ऊपर का बिल आता है। आप देखिए आरए चार्ज 9,195 करोड़ रुपया इससे वसूला गया दिल्ली की जनता से। ये सारा मैं आपको आरटीआई के पेपर से दिखा रहा हूं, आप इसको ले सकते हैं और अपनी अपनी समीक्षा अपने चैनल पे कर सकते हैं, अपने अखबार में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 2015 से 2021 तक में 5,222 करोड़ इन्होंने दिल्ली की जनता से वसूला है। अपैक चार्जेस एपीएसी, इसके तहत 3,900 करोड़ रुपया वसूला है।
फिक्स्ड चार्जेस जिसको लेकर के बहुत हंगामा हुए, बहुत लोग सड़कों पे आए, उसके तहत 16,233 करोड़ रुपया इन्होंने वसूला है दिल्ली की जनता से, और सब्सिडी के आधार पे इन्होंने सब्सिडी 12,408 करोड़ इस हेड में इन्होंने दिल्ली की जनता से लिया है, और ये टोटल होता है 49,636 करोड़। दिया किसको जाता है? बिजली कंपनियों को। मेरा ये डाउट है, मेरा ये प्रश्न है कि इतना पैसा बिजली कंपनियों को जो दिया है वो सिर्फ दिखावा है, पीछे का खेल वैसा ही है जैसा इन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी में किया है, और इस अमाउंट को आप जोड़ दीजिए तो टोटल अमाउंट होता है 1,51,564 करोड़। और यह सिर्फ तीन डिपार्टमेंट की जानकारी लेकर के आज आपके सामने आया हूं। दिल्ली की जनता को जितनी तकलीफें हैं वो गलियों में जाने से पता चल जाते। अगर मैं गली में अगर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सा टोपी पहन के न जाऊं तो लोग हमें अरविंद केजरीवाल का साथी समझ के कूट भी सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को पानी को लेकर के बड़ी परेशानी हो रखी है। महिलाएं ऐसे टूटती हैं, उनको बताना पड़ता है बहन जी हम अरविंद केजरीवाल वाले नहीं। तो देखिए आम जनता को तो यह भी नहीं पता चलता, उसको लगता है सांसद आया है पकड़ो कॉलर, उसको लगता है विधायक आया पकड़ो कॉलर, तो विधायक आएगा नहीं, सांसद को तो जाता है। तो इन जानकारियों के बाद अब हमको समझ में आता है कि भ्रष्टाचार नाम सुनते ही अरविंद केजरीवाल जी को गुस्सा क्यों आता है। हमारे देश में एक लाइन चलती थी कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अब हम ढूंढने में लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गुस्सा क्यों आता है। अरविंद केजरीवाल जी तिरंगा रगड़ दे जमीन में तब उनको फर्क नहीं पड़ता, अरविंद केजरीवाल जी के मिनिस्टर भ्रष्टाचार में जेल हो तब उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही एक अच्छे मंच से कहा गया कि हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं उनको लगता ही नहीं को कहा जा रहा यही है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजों का जवाब अरविंद केजरीवाल जी आपको देना है, अगर आप नहीं देंगे अगले तीन दिन में जवाब हमको, तो जिस प्रकार से हम एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ गए, जिस प्रकार से हम कमरों में हुए भ्रष्टाचार के ऊपर हम गए हैं, लोकायुक्त महोदय ने मांगा है जानकारी, हम ऐसे ही इसी आधार पे हम और संस्थाओं के पास जाएंगे। और मैं सीएजी की जो सीएजी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे पता चला है कि सीएजी कुछ शोध करने वाली है, तो मैं सीएजी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी फॉरेंसिक जांच करें, इनकी फॉरेंसिक ऑडिट करें। मैं आज के इस पीसी में सीएजी से रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय एलजी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी इन सारे मुद्दों की फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। और मुझे आज यहां आने से पहले ही एक सत्य पता चला है जो मुझे बहुत चिंतित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का फेसबुक अकाउंट वो इंडिया के बाहर से चलता है, अरविंद केजरीवाल जी का अकाउंट, उनके कुछ और साथियों का अकाउंट और पार्टी का अकाउंट कहां से चलता है सर? कतर से चल रहा है, कनाडा से चल रहा है, लिथुआनिया से चल रहा है और अमेरिका से चल रहा है। अब ये सोचिए कि जिस पार्टी का और जिस पार्टी के मुखिया का अकाउंट विदेशों में रह करके चल रहा हो और वो देश में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ये देश की आंतरिक सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। तब मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि जो 1,51,564 करोड़ रुपए का कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है, बैलेंस शीट नहीं दे रहे हैं, कहीं इन्हीं पैसों से आप भारत विरोधी ताकतों को मजबूत तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तिरंगे का सम्मान तो आपके नजर में केवल पोस्टर तक है, पूरे देश में सबने डीपी बदली है प्रमुख लोगों ने,
अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बदली थी, तिरंगा नहीं लगाया, पोस्टर में लगा दिए क्योंकि उसके पीछे एक भ्रष्टाचार है, उसकी बात कभी और करेंगे। क्या ये 151,564 करोड़ रुपए ऐसे ही आप विदेशी शक्तियों को मजबूत करने को दे रहे हैं? इसलिए जब ये बात हो रही है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद एक बड़ा खतरा है, चुनौती है देश के लिए, तो आपको लगता है कि लोग आप ही को पकड़ने जा रहे हैं? तो मैं आपसे इसमें जवाब चाहता हूं, और मेरा पूरा विश्वास है कि 151,564 करोड़ रुपए क्या आप बेवकूफ कर दिए, खा गए या कहां गए? यह दिल्ली की जनता का आपसे सीधा सवाल है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो? ये हम कैंपेन शुरू करने वाले सर। ये कैंपेन हमारा आज आपसे बात करने के बाद ही शुरू है, कल से ये पूरी तरह से हम लोग इसको लेके आएंगे, क्योंकि ये सवाल पे किसी को छोड़ा जाना दिल्ली का बहुत बड़ा। धन्यवाद। किसी को तो प्रश्न हो तो जानकारी दी है कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में फ्लैट मुहैया कराए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इस पे आरोप लगाया है कि अब ये सब जान रहे हैं कि आखिर रोहिंग्या को कौन बसाने का काम राजधानी में चल रहा है। देखिए ये जो मुद्दा है, ये जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया है उनका ट्वीट क्या हुआ है, कहीं कोई हैक किया क्या हुआ, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि गृह मंत्रालय की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है, और गृह मंत्रालय ये भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ऐसा कुछ प्रपोज किया है। आप स्वयं जाइएगा गृह मंत्रालय के उसमें, तो एक ट्वीट है गृह मंत्रालय का जो आपको पढ़ना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली प्रपोज टू शिफ्ट द रोहिंग्यास टू अ न्यू लोकेशन। एमएचए हैज डायरेक्टेड द जीएनसीटीडी टू इंश्योर दैट द रोहिंग्या इलीगल फॉरनर्स विल कंटिन्यू एट द प्रेजेंट लोकेशन एज एमएचए हैज ऑलरेडी टेकन अप द मैटर ऑफ देयर डिपोर्टेशन विद द कंसर्न कंट्री थ्रू एमईए। गृह मंत्रालय तो उनको अच्छे तरह के देशों से बात करके उनको अपनी जगह भेजने की तैयारी में है। ये एक प्रस्ताव है दिल्ली गवर्नमेंट का, और ये एमएचए ने क्लियर कर दिया है। दैट्स ऑल जी। मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, आपने अरविंद केजरीवाल की बात करी, आज फिर से एक टाउन हॉल किया उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में। उन्होंने कहा कि मेक फॉर इंडिया एक प्रोग्राम करेंगे, पूरे देश में घूमेंगे। एक तरह से 2024 के लिए वो खुद को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इट वुड बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस इन। क्या कहेंगे आज जो फिर से उन्होंने वो पूरा प्लान? देखिए ये सबका अपना, हर नेता का अपना अधिकार है। देश में 15-20 ऐसे नेता है जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हमारा फर्क ये पड़ता है कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग रंग बदल के और दिखाने को कुछ और है और खाने को कुछ और है। उसका मैं आपके सामने जो आप मैंने खुलासा किया उसका जवाब चाहता हूँ। वो दुनिया के सारे पोस्ट की तैयारी करें, हमें उससे कोई मतलब जी। सर आपने बोला तिरंगे का केजरीवाल जी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फेसबुक पेज पे भी तिरंगा नहीं लगा था। ऐसा ठीक है? एक मिनट देख लीजिए जी। हमारे देश की सरकार ने एक निवेदन किया था कि 13 से 15 अगस्त तक हो सके तो अपनी डीपी बदल के रखें, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आरएसएस ने अपनी डीपी बदल दी। 13 अगस्त मैंने कहा, आपका बहुत अच्छा सवाल है रामकिंकर जी। मैं कहा कि जैसे मैं पीछे दो केसेस में
हमें लोकायुक्त महोदय ने भी हमारी बात को माना और स्कूल घोटाले में भी रिपोर्ट मांगी है सीएस से, एक्साइज पॉलिसी में हम गए। अब हम इसको पूरी तैयारी करके 1,51,564 करोड़ के दिल्ली से हुई लूट को हम आगे बढ़ा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली जल बोर्ड का जो केस है बैलेंस शीट वाला, वो ऑलरेडी चल रहा है, इसकी अगली सुनवाई 30 सितंबर की है, वो सेक्रेटरी ऑर्डर आ जाएगा। जी मनोज जी, 130 करोड़ भारतीयों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये बात भी जो है केजरीवाल ने कही है और दूसरे देशों के साथ में तुलना की कि ये तमाम देश हमारे से, देश इनके आजाद जो है बाद में हुए लेकिन आज से हमसे काफी आगे हैं, तो आप ये इस गुस्से पर अपना क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए? अभी हमारे को हम आज के मुद्दे पर रहने दीजिए, इस मुद्दे पे कलम आएंगे। थैंक यू।